हेलो एवरीवन, दिस इज़ शोएब मलिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ चुका हूँ सीपी कनॉट प्लेस दिल्ली। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स के नीचे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरी सेक्सी वॉक के बाद हम पहुँचते हैं म्यूजियम के गलियारों में, जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के इल्यूजन्स टंगे हैं। और हाँ, साथ में नज़र रखने वाले गांधी जी भी, तुम जिधर देखोगे इनके नैना सिर्फ तुम्हारे नैना को देखेंगे। फिर आता है हमारा पहला सेक्शन, जहां तुम लिटरली ऊनो रिवर्स खेल सकते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इस सेक्शन को देख के लगता है कि ऋतिक रोशन ने अपना सिग्नेचर मूव यहीं पे सीखा होगा। इधर चला मैं उधर चला। यहां आकर छोटे मियां तो बड़े और बड़े मियां तो बड़े रहते ही हैं। 500 रुपए में भिन्न भिन्न प्रकार के इल्यूजन के साथ साथ तुम किसी को भी यहाँ लाकर अपने वश में कर सकते हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इन सब के बाद हम गए वॉर्टेक्स टनल, और इस सेक्शन ने आंखों के साथ साथ दिमाग और अतड़ियों तक के अंजरपन जटीले कर दिए। और रही सही कसर इस चेयर ने पूरी कर दी। अभी इसे डाइजेस्ट कर ही रहे थे कि फिर पता चला ये तो अभी फर्स्ट सेक्शन ही है। तो फिर हम गए सेकंड सेक्शन की ओर, और यहाँ एंटर होते ही दिमाग का दही ही हो गया। जैसा तुम देख ही सकते हो, सामने से ट्रायंगल, साइड से स्क्वायर, बट हाउ, क्या है ये, क्यों है ये? लगता है इसे किसी नाइट क्लब से निकाल कर लाए हैं। अरे वहाँ पार्टी कैसे हो रही होगी फिर? यहाँ पे सिर्फ गांधी जी की आंखें ही नैन मटक्का नहीं, बल्कि आइंस्टाइन चाचा की भी आंखें नैन मटक्का कर रही हैं। और ये छोटे छोटे इल्यूजन्स। हाँ हाँ प्लीज चलो आगे चलो। इस म्यूजियम में सस्ता हैरी पुत्तर भी देखने मिलेगा, और चुट्टा मारते हुए डंबलडोर चचा, पूरे सस्ते हॉगवर्ड की भी फील देता है ये म्यूजियम। विंगार्डियम लेवियोसा। चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं इनफिनाइट रूम की ओर। ओ भाई, यहां तो कोई फोटो सेशन कराओ यार। ये प्रेमरतन धनवाया वाला सेटअप नहीं लग रहा तुझको? अरे यार, एडिटर को बोला था ये कट करने, बट एनीवेज जो है सो है। बस मुझसे कमेंट करके ये मत पूछना कि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता। ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। चलो अब आगे चल के थोड़ा फोटो शूट तो कराएं, आखिर पैसे दिए हैं यार, इतना तो चलता ही है। थोड़ी और वीडियोग्राफी। ये सेक्शन सिर्फ मेरा ही नहीं, यहाँ आए हुए सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें ऐसा लगता है मानो कि बिल्डिंग से लटका रहे हो। अच्छा, रिजोल्यूशन को ध्यान से देखो और कमेंट करके जरूर बताना क्या फील हुआ। अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव आ गया है। यहाँ से तुम इल्यूशंस, गिफ्ट्स, पजल्स खरीद सकते हो। वैसे मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, बट इस पजल को देखकर मैं तो चला इसे सॉल्व करने के लिए। 6.5 hours later. होगा होगा, डोंट वरी।
I'm so smart. I'm so smart. Just wait. One eternity later. नहीं पता नहीं बनना मुझसे, छोड़ उसको. Alright guys, तो बस इस ब्लॉग को खत्म करते हैं यहीं पर ही. आई होप कि तुम लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक. बाय बाय.